तो देखो, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट क्लियर कर दूं। मिड जर्नी एक एआई आर बोट है, और ऐसा नहीं है कि मिड जर्नी सिर्फ डिस्कॉर्ड में ही वर्क करता है। मिड जर्नी और भी अदर प्लेटफॉर्म पर भी है जहां एपीआई फीचर मिल जाते हैं। तो आज मैं आपको दो ऐसा प्लेटफॉर्म बताऊंगा जहां मिड जर्नी आप फ्री में यूज कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताऊंगा जहां पे आपको मिड जर्नी के और भी अल्टरनेटिव मिल जाएंगे, और उसी के साथ आपको मिड जर्नी को कैसे यूज करना उस प्लेटफॉर्म पे आपको पता चल जाएगा। डस्टबिन आप कैसे मिड जर्नी को फ्री में यूज कर सकते हैं वो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। सो विदाउट एनी वेस्ट टाइम लेट्स क्रिएट समथिंग न्यू। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको किसी ब्राउजर में आना है, और ब्राउजर में आने के बाद आपको सर्च करना है यहाँ पे gohrazee.com। आपको इस वेबसाइट का नाम सर्च करना है gohrazee.com। और मैं आपको बता दूं, ये मेरा वेबसाइट है, मैं ही अपने वेबसाइट पे वर्क कर रहा, और जितने भी मतलब मार्केट इस दुनिया में जितने भी एआई टूल है मैं उसको एक जगह कर, अभी मैं मिड जर्नी का अल्टरनेटिव भी वर्क कर रहा, मतलब एआई आर्ट जनरेटर पे वर्क कर रहा, जो भी टूल जो आर्ट जनरेट करते इमेज जनरेट करते उस टूल को एक जगह लगा रहा हूँ। बस आप लोगों का भाई सपोर्ट चाहिए, आप सपोर्ट दिखाइएगा तो मैं भी बहुत कुछ करके दिखा दूंगा, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। उसका आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ मेरा वेबसाइट इस टाइप का शो करेगा, जो कि मैंने खुद ही इसको बनाया है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगा। मैं आपको बता दूँ पूरे यहाँ पे 1 मंथ लग चुका है मुझे ये सब बनाने में, पूरा ये सारे डिज़ाइन विज़ाइन करने में, जो कि देखने में अच्छा लग रहा है। और आप भी अपना फीडबैक दीजिएगा, कुछ कलर वगैरह को लेकर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता हूँ, तो थोड़ा बहुत आप मुझे फीडबैक देना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक एआई टूल वाला ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, और नीचे भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप सिंपल चाहते इस पर भी क्लिक करें, या आप चाहते यहाँ से भी आ सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे आपको सिर्फ 3 ही टूल मिलेगा एआई टूल का, पर जो मैं और भी टूल यूज़ करूँगा, मतलब एआई टूल पर आप जाइएगा जो टैब है वहाँ पे आपको बहुत सारे एआई टूल मिलेंगे, मतलब अभी तो फिलहाल 3 रेडी किया हूँ यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे एक मिड जर्नी का अल्टरनेटिव ऑप्शन शो करेगा, और इसी मिड जर्नी का अल्टरनेटिव में मैंने उसको उस टूल को यहाँ पे छुपा कर रखा है। आप जो बोलो आप यहाँ पे, मैंने उस टूल को यहाँ पे रखा है जिस जहाँ पे आप मिड जर्नी को यूज़ कर सकते हैं। और ट्रस्ट मी, मुझे ये बात रात में ही पता चला, मैं मिड जर्नी अल्टरनेटिव फाइंड कर रहा था, मैं अपनी वेबसाइट के लिए वर्क कर रहा था, और मुझे ये ना अचानक से इस टूल के बारे में पता चला। मैंने जहाँ पे देखा, अरे भाई ये तो मिड जर्नी, मैंने देख के शौक लगा, ये तो यहाँ पे मिड जर्नी भी है क्या यार। मैं तो मतलब मैंने फिर देखा, चलो यार मजाक नहीं, फिर कुछ इमेज भी जनरेट करके देखा तो अच्छा रिजल्ट मिल रहा था मुझे। तो आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे यहाँ पे मिड जर्नी के अल्टरनेटिव मिल जाएंगे, जो कि देखने में परफेक्ट भी लग रहा है। और भी यहाँ पे ऐड होगा, अभी कुछ ही ऐड हुआ, मतलब 15 लगभग ऐड हुआ यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, पहला मैं आपको दो टूल बताया, जैसे बताया था, तो एक स्टेबल बूस्ट हो गया, यहाँ पे आपको मिड जर्नी यूज कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं, आपको क्या करना है, सिंपली इस लिंक पे क्लिक करना है। तो मैंने भी यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन करके दिखाता हूँ, ओपन इन न्यू टैब। और जैसे आप फर्स्ट टाइम इसे ओपन कीजिएगा आप, तो आपको कुछ यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह आएगा, जहाँ पे आप सरप्राइज मी करके आप कोई भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं कि यहाँ पे आर्ट कैसे वर्क करता है। और भी आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आएगा, मैं इसे क्या करता हूँ कट कर देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे सरप्राइज पे क्लिक किया, तो ये कुछ इस टाइप का इसने आर्ट क्रिएट करके दिया। और मैं बताता हूँ यहाँ पे सिर्फ मिड जर्नी का ही बोट नहीं, आपको बहुत सारे बोट मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप आर्ट जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक और फीचर मिल जाता है, जहाँ पे आप अपना इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप चाहे तो अपना आर्ट जनरेट कर सकते हैं, या आप चाहे तो किसी भी इमेज को यहाँ पे स्केच बना सकते हो, जैसे मान लो कोई भी स्केच बना सकते हो। मैं तो स्केच में उतना खास नहीं हूँ, जैसे कि देख सकते हो मैं यहाँ पे सिर्फ यही मुझे स्केच में बनाने आता है। तो आप यहाँ पे स्केच बना कर उसे आर्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, मैं इतना ही बना सकता हूँ। और मैं आपको बता दूँ ये बिल्कुल फ्री भी है, आप इसे फ्री में आराम से यूज़ करो, उतना कोई टेंशन नहीं है। कुछ टूल आपको वहाँ पे अपग्रेड कराना पड़ता है, या आपको फ्री ट्रायल मिल जाएगा उसका, पर कुछ कुछ और भी टूल आपको यहाँ पे बहुत सारे फ्री मिल जाएंगे। जैसे आपका फोटो बूथ हो गया, तो ये आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, जहाँ पे आप खुद का मॉडल जनरेट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे आपको मॉडल भी मिल जाएगा एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे। और आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट भी मिल जाता है, और यहाँ पे मॉडल भी मिल जाएगा, जिसे आप आइडिया ले सकते हैं कि यहाँ पे कैसे इमेज जनरेट होता है, और उनके मदद से आप भी अपना आर्ट जनरेट कर सकते हैं कुछ इस टाइप का। अब बात करते हैं कि आप मिड जर्नी कैसे यूज़ कीजिएगा। तो मिड जर्नी यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा रियलिस्टिक विजन प्लस गाइडेंस, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको बहुत सारे यहाँ पे आपको मॉडल मिल जाएगा, और जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बोला था, जन ये स्टेबल डिवीजन पे वर्क करता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेबल डिवीजन का एक ऑप्शन मिल रहा है। तो आप स्टेबल डिवीजन 2.2 यूज़ कीजिएगा, जो कि बहुत ही परफेक्ट वर्क करता है। डेसिम 2.1 अभी आपको मिल जाएगा, और जो चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा इंतजार था मिड जर्नी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिड जर्नी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और मॉडल ट्रेनड ऑन मिड जर्नी V4 इमेज, आपको जो V4 यानी कि V4 इमेज यहाँ मतलब आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और इसे सेलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इधर आपको बहुत सारे आपको टूल मिल जाएंगे, जहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज कर सकते हैं। डस्टबिन आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कस्टमाइजेशन का, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग आर्ट स्टाइल चूज कर सकते हैं, आपको किस टाइप का आर्ट बन क्रिएट करवाना है। जैसे आपको देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे आपको आर्ट मिल जाएगा, जो कि आपके काम को आसान कर, जैसे हमारे साइबर पंक हो गया, साइबर पंक वाला हम चूज कर लेंगे। फिर आर्ट मीडियम आपको किस टाइप का, मतलब पूरा आर्ट चाहिए उस टाइप का आप यहाँ पे
आर्ट पेंटिंग मतलब किस टाइप का, जैसे अनरियल इंजन, वाटर कलर, पिक्सल रेंडर, जैसे मतलब आपको मतलब कार्टून टाइप का बनाना है, पेंसिल ड्राइंग बनाना है, तो उस टाइप का आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। मतलब डिजिटल आर्ट बना, डिजिटल आर्ट फोटोग्राफी स्टाइल में भी आप चूज कर सकते हैं कि कितना क्वालिटी आपको चाहिए। हमें मिडजर्नी में अलग अलग सब कुछ मतलब उसी में एक ही प्रॉम्प्ट में मैनेज करना पड़ता है, यहाँ पे आपको अलग से कस्टमाइजेशन मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 8K कर लेता हूँ। फिर लाइटिंग वगैरह भी आप चूज कर सकते हैं, मेन चीज़ लाइटिंग होता है कि लाइटिंग आपको किस टाइप का चाहिए। तो हमें थोड़ा सा एम्बियंट चाहिए लाइटिंग, ये आप चूज़ कर सकते हैं। कैमरा भी आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा कैमरा से फोटो मतलब वो चाहिए, जिससे क्या होता है आपका आर्ट और परफेक्ट होता है। यहाँ मैं क्या करता हूँ, कैनन चूज़ कर लेता हूँ, कैनन। और आर्टिस्ट भी आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा उस आर्टिस्ट जिस टाइप का आर्ट जनरेट कर रहा है उसी टाइप का आर्टिस्ट, मतलब जितना भी फेमस आर्टिस्ट का नाम यूज़ कीजिएगा आप उतना ही यहाँ पे परफेक्ट आर्ट जनरेट होकर आता है आपको। तो मैं यहाँ पे इस आर्टिस्ट को चूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ इमेजेस को कस्टमाइज कर सकते हैं, कॉलम्स को कस्टमाइज करते हैं, फिक्स फेस पे क्लिक करके फेस को फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट कोड वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रॉम्प्ट कोड लिख सकते हैं। तो प्रॉम्प्ट कोड लिखने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रॉम्प्ट कोड यहाँ पे अपना लिख दिया, स्मार्ट बॉय इन साइबर पंक सिटी। मैं नॉर्मल प्रॉम्प्ट कोड देख कर देखता हूँ कि ये कैसा वर्क करता है, फिर एंटर करेंगे और यहाँ पे प्रोसेसिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत वेट करना पड़ता है, जैसे मिडजर्नी में करते थे। तो मैं क्या करता हूँ, 3-4 प्रॉम्प्ट कोड भी यहाँ पे रेडी कर लेता हूँ उसके लिए। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, चैट जीपीटी में जाऊँगा। और चैट जीपीटी में जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रॉम्प्ट कोड जनरेट करूँगा। उससे पहले मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, जिससे वैसे क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा एरर आता है। और मैं बता दूँ, अगर आपका वेब एरर आ रहा है बहुत सारा, तो एक इंडियन जीपीटी भी है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, इस पर मैंने पहले भी वीडियो बना दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर चेक कर ले, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाता है, इस पर मैंने वीडियो बना दिया कि ये सब मैंने टेम्पलेट कैसे कस्टमाइज़ किया है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा मिडजर्नी प्रॉम्प्ट जनरेटर पे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ प्रॉम्प्ट कोड लिख जनरेट करता हूँ, स्मार्ट बॉय वही सेम करता हूँ, स्मार्ट बॉय इन साइबर पंक सिटी। और मैं यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट कोड जनरेट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे प्रॉम्प्ट कोड रेडी हो जाएगा। मैं इसे हूबहू कॉपी करूँगा और वापस यहीं पर आऊँगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका आर्ट रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने सिंपल प्रॉम्प्ट कोड लिखा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसने क्या किया, आर्ट को जनरेट किया। कुछ और प्रॉम्प्ट कोड भी यहाँ पे डालकर देखते हैं। जैसे देख सकते हैं आपको यहाँ पे 10 इमेज मिल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे अपने इमेज को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। 10 ज़्यादा ही हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 4 कर देता हूँ। उसका मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट कोड अपना ऐड करूँगा, फिर मैं इसे एंटर करूँगा। और फाइनली आप देख सकते हैं कुछ आपको यहाँ पे इस टाइप का रिजल्ट मिलेगा, जिसमें मुझे ये वाला सही लग रहा है, ये परफेक्ट लग रहा है। और मैं आपको बता दूँ, आप इसे जैसे एक्सपेंड कीजिएगा तो आप कुछ ऐसा शो करेगा जहाँ पे आपको पूरे डिटेल मिल जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, इस इमेज को यूज़ कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं इस इमेज को। और जो भी इसमें जितना आप छेड़छाड़ कीजिएगा, सेटिंग वगैरह से खेलिएगा, उतना आपको परफेक्ट यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड टूल की तरफ, जहाँ पे आपको मिडजर्नी मिल जाएगा। तो हमारा जो सेकेंड टूल है उसका नाम है prompthot.com। और मैं आपको बता दूँ, prompthot.com एक ऐसा AI आर्ट जनरेटर है जहाँ पे आप अपने आर्ट को टेम्पलेट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, ना टेम्पलेट के अकॉर्डिंग जनरेट कर सकते हैं। देखो, किसी भी आर्ट को जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा ही उसका इंपॉर्टेंट होता है उसका सेटिंग, चाहे वो मिडजर्नी ही क्यों ना हो, क्योंकि मिडजर्नी में हमें कुछ सेटिंग वगैरह नहीं पता होता था। पर यहाँ पे आपको सेटिंग वगैरह की टेम्पलेट ही मिल जाता है, जिसे आप यूज़ करके परफेक्ट आर्ट जनरेट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे भी आप मिडजर्नी को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मिडजर्नी को यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और आपको देख सकते हैं यहाँ पे एक मिडजर्नी का ऑप्शन शो कर रहा होगा जो कि लॉक है। तो इसके लिए भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ। ये लॉक इसलिए शो कर रहा है क्योंकि मिडजर्नी उनके लिए अवेलेबल है जो प्रीमियम यूज़ करते हैं इसका, जैसे जो अपग्रेड किया। तो आप बोलेंगे ये फ्री में कैसे यूज़ कर सकते हैं आप, देखो इसका एक ट्रायल वाला ऑप्शन आता है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप ग्रेड प्लान पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको 20 इमेज फ्री मिलता है, और जब मिडजर्नी की तरह। तो आपको यहाँ पे 14 डेज मतलब 14 दिन का एक ट्रायल वाला ऑप्शन आता है, तो इनका ट्रायल आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ नीचे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 20 इमेज पर डे मिलेगा फ्री में, ठीक है। और जैसे कि मिडजर्नी में सिर्फ 25 इमेज ही मिलता था, वो पर डे नहीं मिलता, पर यहाँ पे आपको 20 इमेज पर डे मिलेगा फ्री में। फिर एसएस टू स्टेबल डिवीजन, आप स्टेबल डिवीजन यूज़ कर सकते हैं, एसएस टू क्रोमा यूज़ कर सकते हैं। ऑन कमर्शियल राइट, आप इस इमेज को कमर्शियल राइट की तरह यूज़ कर सकते हैं, आप अपने वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। पर अगर आप चाहे तो इसका 14 डेज का जो फ्री ट्रायल है वो भी आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको 500 इमेज पर डे मिलेगा। प्राइवेसी मोड विल हेल्प यू परफेक्ट योर क्रिएशन बिफोर शेयरिंग, मतलब आपको कोई भी यहाँ पे प्राइवेसी आपको मिलेगा, मतलब आप अपना एक पर्सनल यहाँ पे आर्ट जनरेट कर सकते हैं। आप उसके लिए क्रिएट वेरिएशन, मतलब आपको बहुत सारे फीचर मिल जाएंगे। और उस टाइम उसी में आपको क्या होगा, मिडजर्नी का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। एक बार आप फ्री ट्रायल
ट्रायल करके देख लेना, ज़रूर आपको मिल जाएगा मीर जर्नी का। एक बार मैं भी ट्राई करके देखूंगा। मैं आज देखता हूँ, मैं अपने मोबाइल रिचार्ज करा था क्योंकि उसमें रिचार्ज नहीं था, जिससे मेरा OTP आता है, तो इसलिए मैंने कार्ड को नहीं यूज़ किया अपना। तो मैं कार्ड यूज़ करूँगा और ट्रायल जब बनाऊँगा तो उस पर भी अगर आप कमेंट करते हैं मैं वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आपको मीर जर्नी यूज़ करके दिखाऊँगा और इसका फ्री ट्रायल भी लेकर आपको दिखाऊँगा 14 डेज़ का। सो दैट्स द इनफ फॉर टुडे। आई होप कि इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाएं।